अगर तो आप लोग गूगल पे से किसी के पास पैसा भेज रहे हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है दोस्तों यहां पर अनसफिशिएंट बैंक बैलेंस का और आपका जो पैसा किस ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो गाइस कैसे आप लोग इसे ठीक करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूं तो गाइस आपको यह वीडियो लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ गाइस कैसे आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करना है और आपका यह प्रॉब्लम क्यों आती है आपको इस तरह का अगर इंटरफेस आ रहा है अनसफिशिएंट बैंक बैलेंस का तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा चलना पड़ेगा मोबाइल के स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस कैसे आप लोग अपनी इस प्रॉब्लम को

जैसे सर्च करेंगे यानी कि दोस्तों गूगल पे जैसे आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको पर, आपको पर इस तरीके से आपका गूगल तो पे इस तरीके से अपडेट मांगेगा तो आप लोग से अपडेट अपडेट कर दीजिएगा करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा जब तक आपका गूगल पे अपलीकेशन यहां पर अपडेट होगा तब तक आप लोग वेट करिएगा वेट करने के बाद दोस्तों आपका जब गूगल पे अप्लीकेशन यहाँ पर अपडेट हो जाएगा तो कभी आपको यहां पर डायरेक्टली ओपन कर देना यहाँ पर कभी हमारा अपडेट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कुछ टाइम तक यहां पर वेट कर लेते हैं जब तक हमारा यहाँ पर अपडेट हो रहा है अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा गूगल पे अपलीकेशन अपडेट हो चुका है अब गज आपको ओपन करना पड़ेगा जैसे आप लोग गूगल पे को ओपन करेंगे ओपन करते ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर जैसे मैं अपने इस तरीके से दोस्त के पास यहाँ पर पैसा भेजता हूँ जितना मुझे पैसा भेजना है इस तरीके से मैं यहाँ पर इस तरीके से मुझे दस हज़ार इस तरीके से भेजना है तो मैं यहाँ पर दस हज़ार इस तरीके से डालता हूँ और यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कि जैसे मैं यहाँ पर अपना दूसरा बैंक चूज करता हूँ जिस बैंक से मुझे पैसा भेजना है इस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मैं पैसा भेजना चाहता हूँ पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा अब यहाँ पर कि जैसे मैं इस तरीके से यू पी आई पी एंटर करूँगा उसके बाद दोस्तों ओके

आ जाएगा तो जैसे मैं इंडिया पोस्टमेंट बैंक से मैंने पैसा भेज रहा था मतलब मैं, मैं तो पर मैं अपनी इंडिया पोस्टमेंट बैंक क्लिक करता हूँ और पी मैं अपना इंटर करता पर और ओके तो मैं अपने पहले बैंक का बैलेंस देखता हूँ देखते हैं मेरे बैंक में हजार चार पर ग्यारह रुपए ही है तो इसलिए मेरा दस हजार नहीं हो रहा था अगर मैं यहां पर मतलब पैसा कम ट्रांजेक्शन करता हूं तीन से कम ट्रांजेक्शन करता हूं यानी कि जितना पैसा है मैं उससे एक भी रुपया कम करता हूँ या फिर उतना ही पैसा करता हूँ तो मेरा पैसा जो ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो इसलिए दोस्तों आपका जो पैसा है ट्रांसफर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये दोस्तों आपके बैंक में उतना पैसा नहीं है जितना आप लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और दोस्तों अगर आपका इंसफिशियट फंड फिर भी आ रहा है अगर आपके बैंक में पैसा है ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको वहां पर नेटवर्क की दिक्कत हो सकता है या फिर दोस्तों आपका फिर भी जो है नहीं हो रहा है बैंक का बैलेंस मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा है मतलब आप लोग पैसा भेज रहे हैं किसी के पास तो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है आपके बैंक में पैसा भी है तो कैसे आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा अपने बैंक में जाकर कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ लेना है कि पैसा क्यों नहीं ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे लेकिन दोस्तों इंसफिसियंट का मतलब यही होता है कि आपके बैंक में पर्याप्त बैलेंस नहीं है इसलिए कैज आपका जो पैसा है ट्रांसफर नहीं हो रहा तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके बैंक में पैसा नहीं होगा या फिर दोस्तों आपका नेटवर्क की दिक्कत होगा तभी दोस्तों आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है और दोस्तों आपके बैंक में पैसा नहीं होगा तभी आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसा रहता भी है और फिर बोलते हैं कि मेरा पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा कुछ इस तरह के सेंटर फेस आ रहा तो उनका दो बैंक होगा और वो जिस बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे होंगे उस बैंक में पैसा नहीं होगा जिस बैंक से पैसा ट्रांसफर करना है उस बैंक में पैसा होगा तो आप लोग उससे करेंगे तो आपका हो जाएगा आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद बस बड़ी लाइक करना एंड दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब पर नमज भूलिएगा क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं